हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बना रहे हैं और उसके लिए मैंने वही चीजें इस्तेमाल की है जो आपको इजीली घर में अवेलेबल होंगी। मैंने 3 से 4 पोटैटो छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है। ऑनियन ली है 2 से 3 मीडियम साइज की छोटे टुकड़ों में कट करके। ग्रीन चिली लिया है 4 से 5। बेसन लिया है। केचप, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट और ये मेयोनीज लिया है। ये भी मैंने घर पे ही बनाया है और इसका वीडियो मैंने पहले शेयर किया है और अगर आप चाहें तो मैंने इसे की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मैंने पोटैटो मिक्सर जार में डाल दिए हैं। 2 से 3 टेबलस्पून में पानी डाल रही हूँ। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना ली है, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें बेसन अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम इसके चिल्ले बनाने वाले हैं तो उसी तरह का आपको बेटर बनाना है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ टेस्ट के मुताबिक और पेपर पाउडर। मैंने 1/2 चम्मच जितना डाला है पेपर पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। इसके लिए ऑनियन ली है। इसमें हम नमक डालेंगे, ग्रीन चिली, चिली फ्लेक्स, एक चम्मच डाला है चिली फ्लेक्स, पेपर पाउडर 1 चम्मच जितना, मेयोनीज डाल रही हूँ, मैंने 3 छोटे चम्मच मेयोनीज डाला है, 2 चम्मच में केचप डाल रही हूँ। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमारा स्टफिंग तैयार है। अब हम इसके चिल्ले बनाएंगे। मैंने तवे को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ये मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है। आप चाहे तो सिंपल तवे पे भी बना सकते हैं। ये बैटर ले रही हूँ। थोड़ा इसका हम थिक लेयर ही बनाएंगे। ऊपर से थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ। अब इसे हम पकने देंगे। ये हमारा चिल्ला तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ये स्टफिंग डालेंगे। और इसके ऊपर फिर से हम ये बैटर का लेयर करेंगे। मैंने स्टफिंग के ऊपर फिर से बैटर डाल दिया है और इसे ऐसे ही थोड़ी देर पकने देंगे, फिर इसे उलटाएंगे। अब ये ऊपर से थोड़ा पक गया है, अब हम इसे उल्टा लेंगे। इसके लिए मैंने ये ढक्कन ले रही हूँ। इसके ऊपर हम डालेंगे, अब देख सकते हैं। हमें फिर से हम इसे तवे पे ले लेंगे। अब उसे हम दूसरी ओर से भी पकाएंगे।
अब ये दूसरी ओर से भी पक गया है, आप देख सकते हैं इसने तवा छोड़ दिया है, इजीली तवे पे घूम रहा है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट पे ले लेंगे। ये तैयार है हमारा आलू चिल्ला सैंडविच, मैंने सॉस के साथ सर्व किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।